अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अरफे के दिन की फजीलत बताएंगे। अरफे का दिन 9 जिलहज को कहा जाता है। और जो इस चैनल पे नए आए हो, वीडियो को नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर दें और बाजू में जो बेल आइकन बना उसको भी दबा दें कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान अरफे के दिन खुदा की रहमत और गुनाहगारों के बख्शिश देख कर नहायत ही जलील और परेशान होता है। किसी दूसरे दिन इसको अरफे के दिन से ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अलबत्ता जंगे बदर में वो अरफे के दिन से भी ज़्यादा परेशान हुआ था, जब इसने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा था कि वो फरिश्तों को कफ्फारों से लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे। और एक बात और समाप्त करें दोस्तों, हमारे प्यार का जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफे के दिन सबसे बेहतर दिन है। इस दिन जमीन वालों की इबादत पर अल्लाह ताला फख्र फरमाता है। मेरे बंदे को देखो, इनके बाल उलझे और परेशान है। कितनी दूर दूर जगहों से आकर मेरी बारगाह में खड़े हैं और मेरे अजाब से खौफजदा हैं। दोजख से बख्शने में कोई दिन अरफे की बराबर नहीं कर सकता। बहवाला गुनीदुत तालिबीन। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अरफे का दिन जब आता है, खुदा ताला की रहमत नाजिल होती है तो शैतान और इसके लश्कर रोता है और चिल्लाता है, हाय अफसोस के साथ कहता है कि हमारा तमाम किया कराया आज मिट्टी में मिल गया। साल भर में हमने जो कुछ किया था, खुदा की रहमत व मगफिरत ने आज के दिन सब बराबर कर दिया। बहवाला तिब्रानी शरीफ। हमारे प्यारा का हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफे के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास नज़र करता है। अगर किसी के दिल में ज़र्रा बराबर भी नूरे ईमान हो तो इसे बख्शी से महरूम नहीं रखता। हजरत नाफे फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्ला इबन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि इस रोज अल्लाह ताला क्या सब बंदों को बख्श देता है या सिर्फ अरफा वालों को? आपने जवाब दिया, तमाम लोगों को बख्श देता है। बहवाला गुनीदुत तालिबीन। एक बात और समाप्त करें दोस्तों, हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अरफे के दिन अपनी जुबान व कान और आँखों को काबू में रखा यानी गुनाहों के कामों से बचाया तो एक अरफे से दूसरे अरफे तक उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। दोस्तों, कितनी प्यारी फजील है अरफे के दिन की, यानी 9 जिलहज्जा का दिन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर जरूर करके सब लोगों तक ये मालूमात पहुँचे कि 9 जिलहज्जा की फजीलत क्या है। और हमें कॉमेंट कर जरूर बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।